सर आपके कार्यकाल को करीबन 3.5 साल का टाइम हो चुका है, नरेगा के सर आप नहीं जाने वाले। नरेगा में जैसे हमने गाँव में इम्प्रूवमेंट है, नालियाँ हैं, जैसे हमें खेल मैदान है, स्कूल में भी अलग से टांके नाम नरेगा में जाते हैं, वो हमने पंचायत में करवाए। बाकी जो भी चल रहा है क्योंकि उसमें पेमेंट तो कम पहले जैब का लगाओ, फिर उसको 4 महीने 6 महीने लगता है पेमेंट आने में, तो ये तकलीफ होती है। बाकी नरेगा तो चल रहा है टाइम पास, सर प्रधानमंत्री का नारा स्वच्छ भारत हमारा, उसके तहत आपने ग्राम पंचायत में क्या करवाया? इसके साथ हमने स्वच्छता में शौचालय बनवाए, हमने हमारे स्तर पर बनवाए, आज तक दिसंबर में ऐसा कोई सरकारी नहीं है अपने स्तर पर आज इतने शौचालय बनाए, हमारे स्तर पर लगभग 250 से ज़्यादा हमने बनाए, उनका हमसे आधा भुगतान हुआ है। बाकी का बोले आपका गैस लाइन में नाम नहीं हो, वो कैसे आएगा क्या करता उन्होंने बना दिया। सर आपकी ग्राम पंचायत में बाबा रामदेव योग गुरु वो भी आए थे, क्या आपने उनसे प्रेरणा ली इस बारे में? उसको हमने जब यहाँ पर पहुँचे तब इतनी हमसे मुलाकात थोड़ी लेट हुई थी, तब उन्होंने कलेक्टर साहब के सामने बोला था कि अगर उनको कुछ परेशानी होती है तो हमें संपर्क करें, उनका जरूर समाधान करें। सर आपकी ग्राम पंचायत में पेयजल की कोई समस्या आ रही है और ग्राम पंचायत इस पेयजल की समस्या के लिए क्या कर रही है? पेयजल की जब मैं अभी 3.5 साल हो गए तो मैं इधर ही हूँ, 3.5 साल से मैंने कभी पानी देखा ही नहीं, इधर से टैंकर जाता है डालना 1000 रुपये लेते, हर आदमी को 1000 रुपये टैंकर डाला नहीं सकता है, जैसे अभी पानी की समस्या हमने बार बार कलेक्टर को भी दिया, पेयजल वाले बाप को भी दिया, पानी की समस्या दूसरी कैसी नहीं। आपने इस बारे में उच्च अधिकारियों को MLA MP को अवगत करवाया क्या? हमने सबको बता दिया था, उन्होंने फ़ोन किया, एक दिन आते थे वो एकदम टेम्परेरी मोटर लगाते थे, फिर खराब हो जाते थे, फिर उनके पास 15 दिन पैसे थे। सर प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत कोई गरीब परिवारों को कोई लाभ? आवास के जैसे बेरोजगारी की सर्वे थी उसी आधार पर, जैसे वो गरीब थे जिसके बाद ज़्यादा बने भी बने नहीं, आज की तारीख में वो रहते ऐसे सर्वे करके फिर लेटर लेके लिए आपको आज की तारीख में सुन ली। सर आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा से बोले तो क्या है कि जैसे गांव में जैसे स्कूल अलग है, ढाणी में वहाँ पर बिल्कुल कमजोर है, जैसे डाबला में अभी नए प्रधान से लगाए राजे जी, डाबला में तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, 1 साल से नहीं देखा, बाकी भी तो बहुत कमजोर है, जैसे इधर है छोटा है आता है, यहाँ पर मेरे 2 स्टाफ आते हैं, बाकी स्टाफ नहीं भी कमजोर है। नहीं आप फिर जनता को या बच्चों को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं? जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई मीटिंग रहती है तभी हम बोलते हैं, वो बोलते हैं स्टाफ सही नहीं है, पढ़ाते नहीं है, टाइम पर नहीं आते, वो तो देखते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई यहाँ पर चेकिंग भी आता है जिसमें जिला प्रमुख आते तो 2-4 महीने सही टाइम पर आते हैं, अभी कोई आता है कौन देखता है कि आते हैं पढ़ाई चल रही है। सर मैं भ्रष्टाचार पर बात करना चाहूँगा, मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार बंद होगा, क्या ये 73 में बंद हुआ है? लगभग 70-75% बंद हुआ है, 20% ऐसे अभी चल रहा है कि 70-75% ऐसे अभी बंद हुआ है, लोग डर रहे हैं। सर मैं आपके राजनीति कैरियर के बारे में जानना चाहूँगा, आपने राजनीति कैरियर की शुरुआत कब की, आगे जिंदा रखने के लिए कौन सा चुनाव करोगे? आगे तो भी भगवान के भरोसे शुरुआत में ऐसे काम करते थे, दरवाजा बनाते जैसे आप जाए ऑर्डर ले लिया बना दिया, इधर चुनाव चल रहा था उधर सोच रहे थे उनका दरवाजा लगाना है, वैसे चल रहा था। नहीं आगे चुनाव मैदान में उतरोगे? आगे तो भी आगे टाइम आएगा तो। सर आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आप जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे शिक्षा के बारे में, स्वच्छता के बारे में, जो ये नशा बता रखते हैं उनके बारे में यही हम जानकारी देंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, सीधी बात सरपंच के साथ, देखते रहें डीडी समाचार, मैं शंकर मंसारी, मेयर सोगी, लक्ष्मण प्रभात।